हमने प्रस्ताव ये रखा साहब कि कुछ जो बिजली संबंधी समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु शीघ्र प्रयास करें, और एक जो मोटी समस्या ये थी कि कभी जैसे बिजली चली जाती है या कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस समस्या के बारे में थोड़ा फ़ोन वगैरह हम जो करते हैं टाइम पे नहीं उठा पाते हैं, तो उसके लिए हमने इनसे निवेदन किया है कि साहब आप हमारा या जनमानस का जो फ़ोन आए उसको अटेंड करें और उस समस्या के शीघ्र समाधान हेतु प्रयास करें। और फ़ोन नहीं उठाने से जनता एक थोड़ा भ्रमित हो जाती है कि साहब हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि साहब जब भविष्य में आपके फ़ोन या जनमानस के जो फ़ोन आएंगे उनको अटेंड करेंगे और समस्या में जो समाधान में थोड़ी देरी होती है उसको भी शीघ्र समाधान कराने का प्रयास करें, ऐसा आश्वस्त किया है। पार्षद आपका नाम? दुर्गा प्रसाद शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 24। एक्चुअली जो हमारा टेलीफोन ऑपरेटर है उसके पास टोटल 3 फ़ोन है, एक हजारीबाग का है, एक HMT का है और एक लैंडलाइन फ़ोन है। तो जब भी बरसात या ऐसा कुछ आती है तो कंप्लेंट्स बढ़ जाती है और सभी जगह से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके अंदर जब टेलीफोन ऑपरेटर एक मोबाइल पे बात कर रहा होता है तो दूसरे पे ऑब्वियसली फ़ोन वो उठा नहीं पाता है, लेकिन उसको क्लियरली इंस्ट्रक्टेड है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्सन है, VIP पर्सन है, उन सबके फ़ोन नंबर सेव हैं, जैसे पार्षद हैं या सरपंच हैं गाँव के, उन सबके उसमें फ़ोन नंबर सेव्ड हैं। तो अगर उनकी तरफ से कॉल आ रही है और आप किसी दूसरे फ़ोन पे इंगेज हो तो जैसे ही आपका वो उस पर बात हो जाए तो आप दोबारा उनको कॉल बैक करके और पूछें कि उनकी क्या समस्या है। सर आम जनता के फ़ोन उठाए जाते हैं सर क्या? नहीं, फ़ोन सभी के उठाए जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक ऑपरेटर के पास 3-3 फ़ोन है तो वो एट ए टाइम एक ही फ़ोन पर बात कर सकता है। लेकिन एट टाइम्स हम लोग जब कंप्लेंट ज़्यादा आती है बरसात के टाइम पर तो एक एडिशनल पर्सन को भी वहाँ पर रखते हैं ताकि फ़ोन 100% हम लोग सुने और कंप्लेंट लॉज करके उन्हें रिजॉल्व कराए। सर आपका नाम? सुरेंद्र चौधरी, मैं जोनल मैनेजर हजारीबाग। सर आपका